फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सचिन यादव को टिकट दिया है। सचिन यादव की बात करें तो वह काफी समय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर वह घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सचिन यादव का कई जगह स्वागत भी हुआ है। वहीं इंजीनियर सचिन यादव का कहना है कि सर्व समाज का वोट उन्हें मिल रहा है और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जो यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके चुनाव में खड़े होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन यादव ने अपनी पढ़ाई US में की है और अब वे राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों की तैयारी तो पिछले 5 साल से चल रही है। जो BJP सरकार थी पिछले 5 साल से निरंतर जन विरोधी काम किए जा रही थी। किसानों का पिछले 5 साल से उत्पीड़न हुआ। हम लोगों ने किसानों की आवाज़ शासन प्रशासन को उठाई, धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। पिछले 5 साल से नौजवान परेशान था, बेरोजगार होता जा रहा था, उसको नौकरियां नहीं मिल रही थी। हम निरंतर पिछले 5 साल से नौजवानों के बीच में थे, उनकी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से माताएं बहनें परेशान थी महंगाई को लेके। हम लोग महंगाई के खिलाफ भी काफ़ी धरने दिए, ज्ञापन दिए, शासन और प्रशासन में अपनी बात रखी। तो पिछले 5 साल से हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। डेंगू का जब प्रकोप आया था हमारे फिरोजाबाद में, सबसे ज़्यादा लोग ख़त्म हुए। हम लोग डेंगू के टाइम भी अपने गाँव में थे, गाँवों के बीच में थे, अपने लोगों के सुख दुख में थे। और BJP सरकार के लोग, चाहे उनके जो अभी प्रत्याशी हैं वो, चाहे BJP के कोई भी नेता रहे हों, कभी उन्होंने गांव की तरफ मुख नहीं देखा। 5 साल तक बीजेपी सरकार का और बीजेपी नेताओं में से कोई भी आदमी गांव नहीं आया। आप किसी गांव में पूछिएगा, इस गांव में पूछिएगा कि उन्होंने बीजेपी नेताओं की शक्ल देखी है 2017 के बाद, वो बोल देंगे कि नहीं देखी है। किसी ने देखी है बीजेपी सरकार? नहीं देखी। तो आपको पता चलेगा, आप मेरे पीछे भी किसी गांव में जाइएगा, जसराना के किसी भी गांव में, और आप पूछिएगा कि बीजेपी सरकार ने क्या, बीजेपी नेता की किसी की आपने शक्ल देखी है वोट मांगने के बाद? तो वो बोलेंगे नहीं देखी। और हम लोग पिछले 5 साल से जनता के बीच में रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। 2017 में शिवप्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, अब वो बागी हो गए, विरोध कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे यादव वोट तो सर बढ़ता दिख रहा है, तो कैसे आप? यादव वोट ऐसे नहीं बढ़ता, ना कोई वोट बढ़ता। समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग एक समाज के नहीं है, एक तो सर्व समाज के लोग हैं। आज आप किसी भी गांव में जाइएगा, यहाँ पर भी आप पूछिएगा, तो हर समाज का आदमी, ऐसा कोई समाज नहीं है। मेरे यहाँ 36 समाज के लोग इस विधानसभा में रहते हैं, एक भी समाज का आदमी ऐसा नहीं है जो हमारी पार्टी को वोट नहीं दे रहा। हर समाज का आदमी वोट दे रहा है। आप किसी भी गांव में जाइएगा, और मैं ये कहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक गांव में अगर एक आदमी ये कह दे, किसी भी समाज का, चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे वो कुशवा समाज का हो, चाहे वो भगेल समाज का हो, चाहे वो पंडित समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, आप वो कहेंगे मैं समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी विचारधारा के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। ये जो ये पॉलिटिकल ट्रिक्स होती हैं जो हर पार्टी यूज़ करती है, 10 लोग लड़ रहे हैं उसमें से 2-3 पार्टी से, बाकी सब निर्दलीय हैं, तो एक ट्रिक्स हैं कि ये ट्रिक्स को आलोग अजमाते वोट। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।